अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको तबीयत के बारे में बता दूँ, आप लोगों ने बहुत पूछा इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह पूछे थे, इतने प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। अनॉनिमस की पब्लिक, अब मैं बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रेस्ट किया थोड़ा बहुत और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तो गाइज़, हम ना ये कालिया की वीडियो ट्राई कर रहा था मैं, बट बना नहीं, तो ये कालिया का पार्ट नहीं है। और ये पाकिस्तानी लॉबी आई थी, इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्लैंस और स्क्वाड्स आए थे, तो काफ़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। और अभी सस्ती शायरी आपको सुनाते हैं कि तीली जला के फेंको के चूल्हे में तो आग जाएगी जल, वाह 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 वाह। आपको पता है 5 बार 7 वाह वाह बोलना होता है। तो तीली जला के फेंको के चूल्हे में तो आग जाएगी जल, न्यू वीडियो कालिया की आएगी कल, सस्ती शायरी विद अनॉनिमस। तो आप देख लो, मतलब शायरी के ज़रिए हम कल की वीडियो का आपको बता रहे हैं। कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह कालिया की वीडियो आएगी, इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, बन गई तो ज़रूर आएगी। और गाइस, ये वाला भी मैं ट्राई करता बट बना नहीं, क्योंकि कालिया को हमें ज़िंदा रखना है ना। तो हाँ, हमने कालिया बना रखा था, बट ये नॉर्मल गेम प्ले। कालिया की जो एपिसोड 4 है वो इंशाल्लाह को कल देखने को मिलेगी। तो अनॉनिमस की पब्लिक, सब के सब ठोक दो लाइक बटन, और बहुत ज़्यादा मज़े का गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि इसमें 1v4 हमने इतनी ज़्यादा बार किया ना, और काफ़ी बार फंस गए थे गाइस। मैं आपको बताऊंगा कैसे सोलो स्क्वाड आपको निकालना चाहिए। वैसे बहुत मुश्किल होता है सोलो स्क्वाड, क्योंकि आप खुद बोलो, जब आप 4 लोग हो, ठीक है, आप अपने स्क्वाड की एग्जांपल ले लो, ठीक है, आप 4 लोग खेल रहे हो, आपके सामने कोई अकेला एनिमी होगा तो आप चारों कितना ईजिली उसको मार दोगे ना। तो इसलिए मेरे लिए ना मुश्किल हो जाता है, 4-4 बंदे होते हैं और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मुझे मज़ा आता है सोलो स्क्वाड खेलने में, क्योंकि टीममेट किल नहीं चलाते ना, लेकिन इस चक्कर में ना गाइस मरता बहुत हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मरता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर गेम प्ले में बनता है, मैं बहुत बार मरता हूँ। M16 मिली थी और मैं यहाँ पे देख रहा था, 2 स्क्वाड ऐसे, दोनों पाकिस्तानी स्क्वाड हैं। जैसे मुझे सामने एक स्क्वाड नज़र आया, मैं लेट के डाउन करने का ट्राई करूँगा एक बंदे को। तो बाबा जी, मैंने यहाँ पे एक बंदा डाउन किया, इतने मुझे साउंड आता है कि लेफ्ट पे एक और स्क्वाड है और जान निकल जाती है। फिर मैं रीलोड करके दोबारा से यहाँ पे डाउन करने का ट्राई करता हूँ। अब बाबा जी, हमने यहाँ पे 2 बंदे, दोनों स्क्वाडों के अलग अलग 2 बंदे डाउन कर दिए थे। और अभी हमारे पास ना हेलमेट है, ना वेस्ट है, ना ही ऑटो गन है, तो बेवकूफ़ी ही होगी कि हम भाई अभी रश करने चले जाएं, वो भी 1v4। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। वेयर हाउस आ गए थे और गाइस उनके पास अच्छी गन्स होंगी, और हमारे पास क्या है, M16, बाबा जी का ठुल्लू। और अब एक तो देखो गाइस, पूरा हमने वो वाला कंटेनर देखा, ऊपर कोई और गन नज़र नहीं आई। वैसे देखना चाहिए था पूरा, बट और कोई गन नज़र नहीं आई। और ये तीनों वेयर हाउस देख लिए, मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू, एक भी गन नहीं मिलेगी। हीलिंग मिल गई थी, चलो अच्छी बात है, बैग और थोड़ी सी हेलमेट और बैग और हमें हीलिंग मिली हुई थी थोड़ी सी, लेकिन हमारे पास ऑटो गन नहीं थी, जिसके बगैर सोलो स्क्वाड काफ़ी मुश्किल हो जाता ना। तो कोई बात नहीं, बैठे थे ऊपर वाले के आसरे पे कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाइए, कोई अच्छी सी गन हमें मिल जाए। यहाँ पे एमो मिली, स्कारल मिली, ये काम अच्छा हो गया। और इससे ज़्यादा अच्छा काम हो गया कि यहाँ से आ रहा था बॉट, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ हो गई कबूल, बॉट भैया आ गए और हम बॉट भैया को मारेंगे। ठाठा 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 ढुस, बॉट भैया हुए नॉक, बॉट भैया को फिनिश करेंगे। अब जब बॉट भैया को फिनिश कर दिया, तो आपके पैरों में होगी खुजली के जाके बॉट भैया की करो लूट। मेरे पैरों में भी ऐसी खुजली हुई, तो भाई अब हमें जाके लूट करनी है, तो हमने लगाई दुड़की। लेकिन हमें क्या पता था यहाँ हमारी बैंड बजने वाली है, हमारे बम पे गोलियाँ पड़ने वाली हैं। ओहो हो, तो यहाँ पे हमारी बैंड बज गई और हमारे पाँव में पड़ गई, सॉरी बम में पड़ गई गोलियाँ। फर्स्ट एड मार के हील पूरी की गाइस, और जब मैं पीछे देखा तो मेरे वाले कंटेनर्स पे अलग स्क्वाड आ गया था। अब यहाँ रुकना बेवकूफ़ी ही था, ये भाई जंप कर रहे थे तो मीटअप था, बट यहाँ पे मीटअप पॉसिबल नहीं था ना गाइस। जो जंप कर रहे थे ना, उनके टीममेट मार भी रहे थे और ये पीछे वाला स्क्वाड अलग मार रहा था, तो यहाँ पे मीटअप पॉसिबल नहीं था। और गाइस, ऐसे स्टार्टिंग में मीटअप यार बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझे खुद बताओ, सिर्फ आप जंप कर रहे हो, आपके टीममेट मार रहे हैं, तो कैसे मीटअप कर लूँ? अगर मैं आऊँगा भी ना, तो भाई मैं आ जाता हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन आपके टीममेट मार देते हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है वीडियो का। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को डाउन किया, दूसरे बंदे को डाउन किया, और अब हमें करना पड़ेगा बाबा जी रश, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी कर दी। मैं काफ़ी देर कंटेनर में रुका रहा गाइस, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों स्क्वाड काफ़ी क्लोज हैं और ये आपस में लड़ पड़ेंगे, तो वही हुआ। फिर मैंने दोनों का फ़ायदा उठाया। अभी मैं आपको बताऊँगा कि बी के वो लोग वाकई मारे थे। अब जो स्क्वाड राइट से आया था ना, जो मेरे वाले कंटेनर से आया था गाइस, वो ऑलरेडी हो गया, और जो पहले का स्क्वाड था ना, जिसका एक बंदा जंप कर रहा था, वो बंदे अभी भी जिंदा हैं। और आप खुद देख लेना कि वो लोग मार भी रहे थे, क्योंकि उनको पता है मैंने स्क्वाड वाइप कर दिया। गाइज, अगर आप सिर्फ एक जंप करने वाले हो, आपका स्क्वाड मार रहा है, तो प्लीज़ यार मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, लेकिन आपका स्क्वाड मार देता है यार, फिर वीडियो ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ आप ना ऐसे नहीं किया करो, रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ, आप अलग चले जाओ, बाद में मिल लो, वो चीज़ अलग है, बट
मैं मर जाता हूँ, मेरी बैंड बज जाती है, मैं हम बहुत बार मरूँगा, एक बंदा जम कर रहा होगा, मैं आ जाऊँगा, बाकी तीन बंदे मार देते हैं। तो गाइस अब मैं इनको कंफ्यूज कर रहा था राइट लेफ्ट भाग के, और मैं आ जाता हूँ इनके एकदम क्लोज। जब तक भाई को समझ आती है, यहाँ पे मैंने डाउन किया, और अब एक और भाई सामने टीपीपी ले रहे हैं, मैं चाह रहा था वो मुझे खुद रश करें क्योंकि उनका एक टीममेट जो है वो नॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो थे ये रश नहीं कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद भाई मुझे फिनिश करना पड़ा इनके टीममेट को, क्योंकि ये आके पोजीशन बता रहे थे आई गेस, या ब्लॉक कर दे गैस, अगर आप नॉक हो ना तो आप ब्लॉक किया करो, लाइक आप एनिमी को टांगों में फंसा के ना, वो फिर अपने टीममेट को रश करने को बोल दो। और फिर ये भाई मारने आए तो हमने इनको किया फिनिश बाबा जी, और ये दोनों स्क्वाड जो है ना, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी आपस में खिचड़ी बन के हम लोग लड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा बच गए। उसके बाद बाबा जी करेंगे लूट मज़े से पूरे शहर की, मतलब लाहौर की, मतलब जॉर्ज पुल की, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम। फिर गैस बगी उठाई लूट वूट करने के बाद, स्कारल थी मेरे पास, M16 थी, AK मैंने ड्रॉप कर दी थी क्योंकि बैग में थोड़ी बहुत जगह चाहिए थी, तो 5K एमो कम स्पेस लेती है इसलिए। अब गैस आपने देखा वो आगे बगी गुजरी। अब एक प्लेन में ना एक क्लैन आया था ईवल करके, अगर आपने नोट किया हो, पूरे ईवल के चार बंदे थे, तो अब वो वाला स्क्वाड पाकिस्तानी हमें मिलने वाला था यहाँ पे। मैंने एकदम गाड़ी घुमाई, ऊपर फायरिंग हो रही थी तो मैं ऊपर नहीं गया, और मैंने गाड़ी घुमा के स्कूल के पास रोक दी, क्योंकि ऊपर अब पता नहीं ना गैस, अच्छी कवर भी नहीं है, और अकेला ऊपर चार के सामने जाना बेवकूफ़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर में गाड़ी रोकी। और मुझे यहाँ पे नज़र आता है एक बंदा, पहले मुझे लगा बॉट है बट रियल था। तो यहाँ पे मैंने डाउन किया, अब इसके बाकी तीन बंदे बचे हैं गाइस, और मैंने फैसला किया कि मैं स्कूल की छत पे जाके मारता हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल करीब आता ना, मुझे साउंड आने लग जाता कि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर तो ऑलरेडी बंदे हैं, तो गाइस अपनी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। बट कोई बात नहीं बाबा जी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और नाड़ा कच्चे के लिए होगा, तो हम टेंशन नहीं लेंगे। नेट निकाला ताकि एनिमीज के बम में फेंकें, और बम एनिमीज के बम में बम फेंकें, यस एक नेट गया यहाँ पे, और क्लोज आ गया यहाँ पे मैं बिल्कुल। ये भाई तो लैग हो रहे थे काफ़ी, इनको नॉक एंड फिनिश किया। दूसरे भाई आए, दूसरे भाई को नॉक किया, और फिनिश करने का टाइम है, लेकिन ये भाई जो ना फ़ौरन से नीचे चलेंगे। इनके एक टीममेट जो आखिरी है वो एकदम एच पे, वो देखो टीपी ले रहा है, फायरिंग करता करता आ गया, इसको जाना वहाँ पे था गाइस, क्योंकि ये नीचे जम करके ना अपने टीममेट को रिवाइव देने जाएगा। तो ऐसे ही सेफ्टी के लिए मैंने वहाँ पे मॉली फेंका ताकि वो बाहर आए तो जल जाए, उसके बाद मैं फिर से जाने लगा क्लोज। अब मुझे आइडिया हो गया था कि वो गया नीचे रिवाइव देने के लिए, तो पहले मैं यहाँ से नीचे आ गया मैं यहाँ पे, और मैंने ट्राई किया कि देखूँ, लेकिन मतलब समझ नहीं आई वो है कहाँ पे, तो बाहर निकल आया और यहाँ से स्पॉट करने का ट्राई किया। तो गाइस यहाँ मैंने नॉक वाले बंदे को जब देखा तो पता चल गया यहाँ पे रिवाइव दे रहा, और रश करके भाई को किया डाउन, और ऐसे कुछ ऐसे करके हमने मौत कुछ हुआ, और टक से वापस आ गए हम, और इसके बाद लूट करेंगे मज़े से, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक। 10 किले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे यहाँ पे, और इतनी देर में यहाँ पे हमारी एक और स्क्वाड से फाइट होने वाली है। गाइस मैं बहुत दिनों के लाइक्स का नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो पे ना आपने 60,000 लाइक्स करने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्क्वाड वाइप बना इसमें। देखो दो स्क्वाड से फाइट ली जॉर्जो में, एक अभी मारा, और एक और फ़ौरन से आने वाला है, मतलब चार स्क्वाड तो यही हो गए, और इनसे इतनी अच्छी फाइट लेना अल्हम्दुलिल्लाह अकेला था मैं, देख लो स्क्वाड भी नहीं था। तो आपने इतने लाइक तो करने हैं, और ना गाइस वीडियो को ना ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि हम लोग जल्दी से 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट कर लें एनोनिमस की पब्लिक। प्लीज़ सबके सब अपने दोस्तों से करवाया करो शेयर वेयर। और गाइस अब मुझे गाड़ी का मार्क है कि गाड़ी आ चुकी है, तो मैं आ गया स्कूल की एकदम टॉप पे। अब ये बंदा बॉट था तो इसको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मैं नीचे जम करके नहीं मारा, क्योंकि बॉट आपकी हेल्प करते हैं गाइस। और यहाँ पे बॉट मैं आपको हर बार बोला कि वाकई में बॉट केडी बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी हेल्प भी करते हैं। ये देखो हेल्प की बॉट हैं, बॉट को मारने के लिए 3-3 बंदे आ गए गाइस, और इस चक्कर में मैंने 2 को डाउन कर दिया। अब जो रेड वाला है उसका हेलमेट याद रखना कि ग्रीन कलर का था, ओके उसका हेलमेट याद रखना ग्रीन कलर का था। ये हमने क्लाइम करके एंट्री मारी अंदर, तो गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो रेड वाले को जो 2 रेड थे, ठीक है, पहले रेड वाले को हमने ज़्यादा गोलियाँ ही मारी, वो ज़्यादा गोली में नॉक हुआ, लेकिन मेरी रीलोड लगने वाली थी, एक बंदा इनका बाकी था, और ग्रीन हेलमेट वाला जिसको हमने ऊपर से डैमेज दिया था वो बंदा आखिरी बंदा था, उसकी हेल्थ कम थी, और हमारी जो 3-4 गोलियां रह गई थी ना वो हमने उसको मारी और वो मर गया। मैं खुद हैरान था बाबा जी। तो अब आप देख लो, मतलब डैमेज देना हमारा काम आ गया। तो कुछ ऐसे ये वाला स्क्वाड हमने वाइप किया, और मौत कुछ हुआ,
टक से वापस आ गए बाबा जी। अब तो शेयर बनता है, शेयर वेयर करो जल्दी से, इंशाल्लाह हमारे 1 मिलियन हो गए ना, तो 1 मिलियन पे कुछ स्पेशल करेंगे। और कालिया की जो वीडियो आएगी ना, मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि कल किसने देखा है गाइस। तो लेकिन जब भी आए तो बहुत मज़े की स्टोरी मैंने उसकी सोची है। जितनी कालिया की एपिसोड्स आई हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है वो। उसमें गेम प्ले के साथ साथ स्टोरी जो आपने बहुत पसंद की थी वो तो मैंने ऐसी स्टोरी डाली है ना, फिल्मों वाली स्टोरी मैंने उसमें सोची है, माइंड गेम्स। तो उसमें तो मैं कह रहा हूँ आप फ़ैन हो जाओगे उस वीडियो के, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बस जब भी वो बनी, अब गाइस इसके बाद फ़ौरन से एक और हम पे रश हो जाता है, मतलब बैक टू बैक तीसरा रश है ये स्कूल पे हम पे। तो मैंने एक नेड फेंका, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि जब बार बार स्क्वाड रश कर रहा है, तो क्या किया जा सकता है बाबा जी, ज़िंदगी खतरे में आ गई थी। तो मैं यहाँ से निकल गया, मेरी बैंड बजने वाली थी, भाई इतने स्क्वाड से कैसे लड़ूँ मैं। तो मैं भग लिया पीछे। अब पीछे जाके मेरा इरादा था कि मैं छत पे चला जाऊँ क्योंकि छत पे रश करना इजी नहीं है, हमेशा अपनी एनिमीज को उस साइड पे ले जाओ जहाँ रश करना मुश्किल होता है। और यहाँ मेरी एक छोटी सी गलती कि मैं नीचे जंप कर दिया, उसके बाद हमारी बैंड बज गई थी। इसी वजह से ये इतनी सेक्सी वीडियो कालिया वाली फेल हो गई थी, इतनी प्यारी वीडियो माशाल्लाह से, बट इसकी बैंड बज गई थी एक मेरी छोटी सी गलती की वजह से। गैस मैं जब भी मरता हूँ ना, मैं जल्दबाजी की वजह से मरता हूँ। और फिर मैं एक नेड निकाला, अब नेड फेंका मैंने यहाँ पे, वो बंदा मुझे नज़र आया अभी यहाँ पर आया, तो मैंने यहाँ पे नेड फेंका और बूम करके नेड फटा बम में भाई के। और फिर मेरे माइंड में आया कि अब मैं एक और नेड फेंक देता हूँ, फिर मैं एक और नेड निकाला और वहीं पे फेंका। और शायद मुझे यहाँ पे तीसरा नेड भी कहीं ना कहीं फेंक देना चाहिए था, बट मैं ऐसा नहीं किया, जो कि शायद मैं गलत कर दिया। और उसके बाद गाइस ये लोग कर देते हैं मुझ पे रश और मुझे नीचे जाना पड़ा। वैसे नहीं जाना चाहिए था, मैं छत पे होल्ड करके बैठता ना, शायद ईजी हो जाता। अब ये बंदा भाग रहा है, मैं इसको चेस किया यहाँ पे और ये आगे जाके टीपी लेन लग जाता है। और ये जब बॉडीज एकदम अटक गई थी एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे मेरी बैंड बज गई, उसके पास थी भी उसी। तो बस यहाँ पे मैं मर जाता हूँ गाइस, और कालिया की ये वाली एपिसोड ख़राब हो गई थी। लेकिन बस कालिया मरा वरा नहीं है, गेम प्ले के चक्कर में तो हो ही जाता है। तो गाइस ये वाला M24 का मैच बेस्ट मैच था, जिसमें आप देखोगे मैंने 24 किल्स निकाले माशाल्लाह से M24 से सिर्फ। और वहाँ वाले ग्रोज़ा यूज़ कर रहे थे और DPP यूज़ कर रहे थे। जितनी मेरी शॉट्स मिस हुई मैं वो भी दिखाऊंगा, और गाइस जितने बार मैं मरा हूँ मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो यहाँ पे 4 किल हमारे हो चुके थे, 0 किल हमारे एनिमीज के थे। मैं मिस भी काफ़ी कर रहा था क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं जल्दबाजी कर देता हूँ। यहाँ पे 2 बंदे डाउन किए बाबा जी, तीसरा वो ऊपर है, कान के नीचे लगाया और क्रेड बनाया, 3 बंदे डाउन कर दिए। ये बंदा स्पॉन होके आया था, उसको डैमेज नहीं हुआ। और मैं ना ट्राई करता कि जल्दी मारूं, अपनी बॉडी रिवील नहीं करूं, क्योंकि बहुत सी बार इजी होता है जब आपका एनिमी जो है ना वो M24 यूज़ कर रहा हो। बट ये लोग ग्रोज़ा भी यूज़ कर रहे थे गाइस, M4 यूज़ कर रहे थे, DP यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये तो मैंने बहुत ही क्लोज में निकाला, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मर गया था। पीछे से एक बंदा DP मार रहा था, एक बंदा ग्रोज़ा चला रहा था, हेल्थ बिल्कुल कम थी। यहाँ पे 10 किल हमारे थे, 5 किल एनिमीज के थे और 4 किल मेरे हो चुके थे। ये भी मैंने मारा, भाई ने बॉडी शॉट मारा, मैंने हेड शॉट दिया, इसलिए मैं ओके। तो ये ग्रोज़ा वाले भैया ने बैंड बजा दी। अच्छा गाइस, आप अगर M24 चला रहे हो और आपका एनिमी ग्रोज़ा लेके आता है तो आपको गुस्सा तो आता होगा, है ना, लॉल। तो उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे दोबारा से जिंदा हो के आगे की तरफ बढ़ दुड़की लगाई, खड़े थे भाई, खड़े होकर मार रहे थे, कान के नीचे लगाया, क्रेड बनाया भाई का, दोबारा से दूसरे भाई को डाउन किया, 14 किल हमारे हो चुके हैं। ये वाला सेक्सी था गाइस। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताना टाइम के हिसाब से, वीडियो के टाइम के हिसाब से, कि आपका फेवरेट हेडशॉट कौन सा था, क्योंकि मुझे पता है आप सब M24 लवर हो, TDM में खेलते हो, कभी ना कभी खेली होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपका फेवरेट हेडशॉट कौन सा था। ये बंदा यहाँ पे TP ले रहा था, रश करके डाउन किया भाई को। ओ हो हो हो, अरे सर की रीलोड लग गई, रीलोड लग गई सर की, वरना बैंड बज गई थी हमारी। तो यहाँ पे गाइस मेरे 10 किल हो चुके थे, 5 की स्ट्रीक जा रही थी। ये मैंने बॉडी शॉट मारा बट भाई बच गए, मरे नहीं, पर हमारा किल चोरी हो गया। ये दोबारा से बॉडी शॉट लगा बट भाई मरे नहीं, और फाइनली यहाँ पे हमें किल मिला 2 बॉडी शॉट सक्सेसफुली मारने के बाद। सर जी DP से कैसे मार सकते हैं आप हमें, 12 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे, 7 की स्ट्रीक जा रही थी। ये ग्रोज़ा वाले भैया को दोबारा डाउन किया, ये दोबारा डाउन किया M4 वाले भैया को, दोबारा डाउन किया DP वाले भैया को। आइए दो बंदे आ रहे हैं, आइए ओ कवर में जाने के बाद भी बैंड बजा दी ग्रोज़ा से भैया ने। कोई बात नहीं बाबा जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिर से आगे बढ़े हम लोग स्पॉन होके, ओके मिस हो गया, लेकिन
आइए सर जी, जाइए सर जी मेरे भाई, भाग जाइए वापस, दोबारा आइए ग्रोजा लेके। गैस यहाँ पे मैंने ऑम उठाई, मेरे पास एमो नहीं थी इसलिए। ओके एमो थी लॉल, बट मैं ऑम उठा ली क्योंकि ऑम ऑम है, पहली मोहब्बत को कौन छोड़ सकता है। और रीलोड की, अब यहाँ पे मेरी ना शायद से एमो ख़त्म हो जाती है, और मैं ऑम स्विच की थी कभी, तो मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ मैं ऑम स्विच करके मारता। ये बंदा डीपी वाला डाउन किया, एक और दूर से शॉट मार के डाउन किया, ये शॉट मिस हो गई, यहाँ भी मिस हो गई, यहाँ भी मिस हो गई, यहाँ मिस नहीं होगी, स्विच करके मैंने यहाँ पे डाउन किया। और वो दो दो बंदे गाइस वहाँ पर, वहीं यहाँ आप देखोगे ज़रा भी स्पीड तेज़ नहीं है। अभी वो दो बंदे जो राइट में थे ना, वो राइट में रहेंगे, और ज़रा भी स्पीड नहीं, ना स्लो है ना तेज़ है, नॉर्मल स्पीड है ये गेम प्ले की। और आप देखोगे कि कितना सेक्सी होगा। वो दो बंदे बार बार उसी साइड पे जा रहे थे, ये बंदा डाउन किया मैंने, ग्रोजा वाला। ओके ये मेरे तीन तीन दो दो टीममेट किल के भूखे। अब वो दोबारा से उसी जगह आ गए जहाँ बार बार जा रहे थे। यहाँ पर देखना गाइस, ये बॉडी शॉट दिया, रीलोड, ये बॉडी शॉट, बाबा जी ऐसे कैसे 23 किल हमने निकाल लिए थे, यहाँ पे दो ही किल रह गए थे, और ये 24th किल निकाला हमने, आखिरी किल है। अरे रीलोड, ओके आगे गया, लेकिन विक्ट्री हो गई और हमारी बैंड बच गई, तो कोई बात नहीं बाबा जी, लेकिन अच्छे किल के साथ माशाल्लाह। आप बताना कि M24 के आपके हाईएस्ट किल कितने हैं गाइस, मुझे कमेंट करके बताना। और MVP हम आ गए थे 8KD के साथ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी को बाबरे लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, जिस गेम प्ले में मज़ा आता हूँ ना, मज़े का होता है और अपलोड नहीं कर पाता, तो मैं वो टिकटॉक और इंस्टा पर डाल देता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, उसका लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखना एनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। लव यू दिल से एनोनिमस की पब्लिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।